सी सावली है वो, जरा सी सावली है वो, गुजर में की कथा मेरी। सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आप बीटमार एनसीआर फिर को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको बीटमार एनसीआर फिर इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब गाइस, देखो 100K होने ही वाला है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके करवा दो यार, कितना वेट करवाओगे अब। सो देखो, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले बीटमार वाले प्रोजेक्ट में आपको आ जाना है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको शो होगा। ओके, तो बीटमार प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो गाइस करना क्या है। सबसे पहले आपको शुरू में आ जाना है, एंड प्लस पे क्लिक करना है, एंड मीडिया पे क्लिक करना है, और इस वाले इमोजी वीडियो को आपको है ना ऐड कर लेना। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। एंड ये जो इमोजी वीडियो इसको ऐड कर लेना। उसके बाद इसमें अगर कोई ऑडियो है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस इमोजी पे क्लिक करना है, इस ऑडियो पे क्लिक करके इसको जीरो कर देना स्लाइड करके, वैसे ऑडियो होगा नहीं। उसके बाद आपको इस वाले एरो पे क्लिक करके बीटमार पे आ जाना है, जो कि 11.11 सेकंड पे है। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, डन मीडिया पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लेना। तो मेरा इस फोल्डर में फोटो, मैंने इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब गाइस, जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हैं, सिंपली उस फोटो पे आपको मतलब टैप करना है, उस फोटो को एड करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से इस फोटो को ट्रिम करना है, एंड इसी प्रकार से आपको दूसरा फोटो को एड करना है। ओके, एंट्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना है। इसी प्रकार से आपको तीसरा जो है फोटो उसको एड करना है, एंड इस प्रकार से ट्रिम करना है फिल कंपोजिशन एरिया करके, एंड इसी प्रकार से लास्ट तक जितना ही फोटो होगा एड, इस प्रकार से आपको एड कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादा फोटो है नहीं, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो इस प्रकार से आप फोटो को जो है एड कर लेना। ओके, तो मैंने सही फोटो को ऐड कर लिया, बस एक फोटो बचा हुआ है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं इस प्रकार से। ओके, अब जैसे फोटो ऐड कर लेते हैं, अब देखो गाइस करना क्या है, आपको यहाँ से बैक आना है और आपको सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है। पहले वाले इफेक्ट को यहाँ पे मतलब फोटो जो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर बैक आना है, एंड बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब जैसे बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आपको आगे स्लाइड करके जाना है, एंड यहाँ पे जो पहला फोटो है, इस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, फिर एक फोटो को छोड़ देना है, एंड आगे जो फोटो इस पर आपको पेस्ट कर देना है इस वाले इफेक्ट को, फिर एक फोटो को छोड़ के एक फोटो में पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। ओके, एंड फिर जो हमारा तीन फोटो में ये इफेक्ट पेस्ट होगा। ओके, तो पहला फोटो में, फिर हम तीसरा फोटो में करेंगे, उसके बाद फिर हम पांचवा फोटो में करेंगे, तो तीन फोटो में हमारा इफेक्ट पेस्ट होगा। फिर बैक आ जाएंगे हम यहाँ से, एंड सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, एंड सेकंड नंबर का जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, एंड फिर से बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, एंड ओपन करने के बाद आगे चले जाएंगे। ओके, और जो बचा हुआ फोटो है, सिंपली उन सही फोटो में हम इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है ये भी फोटो जो है मतलब ये भी इफेक्ट तीन फोटो में ही पेस्ट होगा इस प्रकार से। अब जो भी बचा हुआ फोटो रहेगा उसमें पेस्ट कर देना, फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है, एंड फिर से फिर प्रोजेक्ट को ओपन करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, नीचे से दोनों इमेज को अनटिक कर देना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर करना है, एंड कॉपी फोर लेयर करने के बाद यहाँ से सिंपली बैक आना है, एंड बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, शुरू में आना है, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है, फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो बढ़ा लेना है। अब जैसे आप इतना कर लेंगे, आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार का बना है। ओके, अब गाइस आपको क्या करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, और अपने वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।